जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सभी को हृदय से आशीर्वाद। दिल्ली में हमारे आस्था के प्रतीक मंदिर, जिसको विघटनकारी शक्तियों ने, इन मुसलमानों ने तोड़ करके हमारे देवी देवताओं का घोर अपमान किया, हमारी संस्कृति का अपमान किया, हमारी सभ्यता का अपमान किया, बहुत बहुत ठेस पहुंची हमारे आस्था को। और फिर उसके बाद सुना गया कि मौलाना ने कुछ मुस्लिम भाइयों ने, बंधुओं ने पुनः उस मंदिर का निर्माणीकरण करने का वचन दिया और पूरा योगदान देने का भी हिंदुओं को वचन दिया। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है ये बात। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुओं में जो गद्दारी है, हिंदुओं में जो माफ करना कमीनापन है, वो सीधे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने जब कहा कि हम मंदिर का निर्माण करा देंगे, मंदिर बना देंगे, मंदिरों में जो मूर्तियां तोड़ी गई है वो नई मूर्तियां हम ला करके हिंदुओं को सुपुर्द कर देंगे, प्रतिष्ठा का पूर्ण खर्चा हम करेंगे, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि क्या तुम्हारी माता बहनों का अगर कोई बलात्कार करता है, उसके पश्चात अगर कोई कहे कि मेरे से गलती हो गई, मुझसे अपराध हो गया, अगर कोई आपके पीठ में खंजर खोप दे, पेट में आपको खंजर खोप दे और उसके बाद आपको बोले कि मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, आप माफ करोगे? आपके घर में आकर कोई डकैत आए और डाका डाले और आपके घर की संपत्ति का हरण करे, आपके परिवार का चीर हरण करे और उसके पश्चात तो बोले कि क्षमा, गलती हो गई, अनजाने में हो गया, माफ कर दो, क्या माफ कर दिया आपने? कैसे हिंदू है आप? मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहता कि आप विद्रोह करें, मैं नहीं चाहता कि रक्तपात हो, मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से खून खराबा हो, जिस प्रकार उन्होंने हमारे साथ किया, मैं नहीं चाहता कि उनके मस्जिदों के साथ वैसा हो, मैं नहीं चाहता। लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ, जरूर ये अपेक्षा करूंगा और करता हूँ आपसे, यही कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने वहां पर सामूहिक भोज का आयोजन किया था, जिन मुसलमानों ने, और उनके द्वारा, उनके हाथों से, जिन हाथों ने हमारी मूर्तियों का अपमान किया, मंदिरों को तोड़ा, उसी हाथों से जो अन्न परोसा गया, उन हाथों से, उन हाथों का भोजन करते हुए हिंदुओं में शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, कांपे नहीं तुम्हारे हाथ, तुम्हारे मुंह के अंदर, तुम्हारे मुंह में वो नीवला गया कैसे, भोजन गया कैसे? जो हमारे आराधकों का अनादर करे और उसके पश्चात उनके द्वारा भोजन आपको परोसा जाता है और आप उसे खाते हो पीते हो, लज्जा आनी चाहिए, और यही कारण है तुम्हारी संस्कृति और सभ्यता को पीड़ित करने की गुलामी का यह सबसे बड़ा प्रतीक मैंने उस तस्वीर के माध्यम से देखा। लज्जा का अनुभव हो रहा था मुझे जब मैंने वो चित्र देखा और उस समाचार को मैंने देखा। घृणा आ रही है मुझे उन लोगों से जिन्होंने वहां पर जाकर के भोजन किया। अरे 17 बार उस मोहम्मद घोरी को माफ करने वाले पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन सा न्याय किया मोहम्मद घोरी ने, पता है ना आपको? जिस जयचंद ने मोहम्मद घोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान का अनादर किया, पकड़वा दिया, उस जयचंद के साथ क्या किया? कन्नौज के महल पर उसका सर काट करके उसी मोहम्मद घोरी ने लटकवा दिया था, पता है ना आपको? जब आप जानते हैं फिर भी आप इस प्रकार से कार्य कर रहे हो, धर्म को, देश को, सभ्यता को, संस्कृति को, परिवार को लज्जित करने की जो घटना आपके द्वारा हो रही है, निश्चित रूप से गुलामी की ओर अग्रसर होने के लक्षण है ये मेरे भारतवर्ष के। यह तो महज क्रांतिकारियों का, धर्म योद्धाओं का योगदान है जिनके द्वारा आज धर्म सुरक्षित है, राष्ट्र सुरक्षित है और आप लोगों की धरोहर सुरक्षित है, आपकी माता बहनें सुरक्षित है। फिर भी लज्जाहीन वे लोग समझ से परे है हमारे लिए। द्रौपदी का चिरहरण हुआ, पांडव वहां सामने बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, परिणाम क्या हुआ हम जानते ही आप जानते। महत्वपूर्ण बात यही है कि कैसे उन लोगों ने वो भोजन खाया, क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? जिन्होंने वो भोजन आपको परोसा, क्या उस भोजन में गोमांस नहीं मिलाया होगा? क्या गाय का रक्त नहीं मिलाया होगा? क्या आपके धर्म को अपवित्र नहीं किया गया होगा? किस आधार से आप इसे प्रमाणित कर दोगे कि वह भोजन पवित्र रहा होगा? आप भोजन तो करा दिया लेकिन आपके हिंदुत्व को कलंकित कर दिया गया। आप लोग
ये सर्वधर्म सम सर्वधर्म मम की भावनाओं से थोड़ा उभरो, थोड़ा राष्ट्रवाद को समझो, थोड़े धर्मवाद को समझो, हमारी अस्मिता को बचाने के लिए अब आपको कट्टर हिंदुस्तानी बनना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कट्टर हिंदू बनो, आपको कट्टर हिंदुस्तानी बनना होगा। श्री राम की महिमा को, लक्ष्मण की महिमा को, कृष्ण की महिमा को, महावीर के पार्श्वनाथ की महिमा को, छत्रपति शिवाजी राणा संगाराणा छत्रपति को भी समझना होगा। उन्होंने कभी अपना सर नहीं झुकाया। छत्रपति संभाजी महाराज जिन्होंने एक हाथ से दूसरे हाथ के अंदर दूसरा हाथ डाल करके जिस शेर का जबड़ा फाड़ दिया, ऐसा ताकतवर पुरुष भी इस्लाम के आगे नहीं झुका, मर गया मिट गया। ऐसे लोगों के अगर वंशज हो तुम तो लज्जा आनी चाहिए, क्यों आपने वो भोजन खाया, कैसे आपके मुंह के अंदर वो नेवला उतरा। शर्म है, लज्जा है, धुतकार है, धुतकार है आप पर, आपके पूर्वज आपको क्षमा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।